हे गाइस वेलकम बैक। अगर आपको एक्शन एडवेंचर मूवीज पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको टॉप 10 हॉलीवुड एक्शन मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। नंबर 5 पर आती है मैड मैक्स फ्यूरी रोड। ये 2015 में रिलीज हुई एक्शन मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10। इसके अंदर कहानी दिखाई गई है एक ऐसी जगह की जहाँ पर खाना और पानी की बहुत ज़्यादा कमी होता है। इमोटन जो नाम का एक बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उसके पास खाना और पानी की कोई कमी नहीं थी। वो वहाँ के लोगों से अपनी गुलामी करवाता है। उसके बहुत सारी बीवियाँ होती है जिन्हें वो टॉर्चर करता रहता है। क्यूरियोसा नाम की एक लड़की और उसके कैद से भागा हुआ मैक्स नाम का एक बंदा उस बुरे आदमी की 5 बीवियों को लेकर भाग जाते हैं और फिर उनके साथ क्या क्या होता है ये आप मूवी में देखिए। यह मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। नंबर 4 पर आती है जॉन विक। 2014 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10। इस मूवी का हीरो जब अपनी एक्शन मोड में आता है तो सब कुछ हिला कर रख देता है। कहानी की बात करें तो इसमें एक रिटायर्ड हिटमैन होता है जिसका नाम जॉन विक होता है। कुछ रशियन गैंगस्टर इसके कुत्ते को मार देते हैं जो इसे इसके वाइफ ने गिफ्ट किया था और फिर इसकी कार लेकर भाग जाते हैं। फिर ये उन सब से बदला लेने के लिए अपने पुराने अवतार में आ जाता है और फिर शुरू होता है मौत का खेल। आगे क्या कुछ होता है ये आप मूवी में ही देखिए। अब तक इस मूवी के 4 पार्ट्स आ चुके हैं। नंबर 3 पर है द डार्क नाइट। ये 2008 पर आई एक्शन क्राइम मूवी है। इस मूवी में बैटमैन और जोकर की टक्कर ने एक्शन की डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया है। बैटमैन और जोकर के बीच की फाइट सीन्स और इस मूवी की स्टोरी आपको सीट से बांध कर रखेगी। अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो अभी जाकर देख लीजिए। ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। नंबर 2 पर है ए गुड डे टू डाई हार्ड। 2013 में आई एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसमें कहानी दिखाई गई है जॉक मैकलेन नाम की एक बंदे की जो अपने बेटे जैक से मिलने रशिया जाता है। वहाँ पर उसको पता चलता है बहुत सारे गैंगस्टर उसके बेटे के पीछे पड़े हुए थे क्योंकि उसका बेटा एक CIA अंडरकवर एजेंट होता है और उसको उन गैंगस्टर के बारे में कुछ सीक्रेट्स पता चल जाता है। अभी अपने बेटे को कैसे उनके हाथों से बचाएगा ये आप मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है अमेजन प्राइम वीडियो पर। नंबर 1 पर आती है रेथ ऑफ मैन। 2021 में आई एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। Sorry, pal. कहानी की शुरुआत होती है लीड कैरेक्टर एज से जो एक कैस्टर की सिक्योरिटी जॉब के लिए आया था लेकिन उसका मकसद कुछ और ही था। दरअसल एज का बेटा एक रॉबरी के वक्त मार दिया गया था और अब एज उसका बदला लेने के लिए आता है। वो सिस्टमेटिकली सारे क्रिमिनल्स और गैंग्स को ढूंढना शुरू कर देता है जो इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे। कहानी सस्पेंस से भरी हुई है और एज की असली आइडेंटिटी और उसके प्लान्स फिल्म के आगे बढ़ने के साथ साथ अनफोल्ड होते हैं। फिल्म का पूरा मजा उसके ट्विस्ट एक्शन सीक्वेंस और जेसन स्टैथम के सॉलिड परफॉर्मेंस में है जो अपने एनिमीज को एक एक करके खत्म करता है। जस्ट लाइक ए मैन विथ नथिंग टू लूज़।